Rohit Sharma's success story from the streets of Borivali to the Indian team are well known. Also known are his troubles with form and his early struggles in securing a consistent place in the Indian team. For many of us, FOMO or the fear of missing out is a casual term that we throw around when we're not there for something exciting. In Rohit's case, this FOMO actually turned his career around. Rohit was not picked for the 2011 World Cup squad, which eventually lifted the cup at the Wankhede Stadium, Rohit's home turf. That prompted his coach Dinesh Lad to have a stern conversation with him. Ahmed, aise hai ki aapko pata hoga jab 2011 ke World Cup mein Rohit nahi tha, to uske liye bhi aur mere liye bhi bahut sharmnak cheez thi, because ki आपने देखा होगा कि 2009 से 2011 में उसका जो परफॉर्मेंस हुआ था उसकी वजह से वो टीम के बाहर गया था। विराट कोहली उसके बाद आके टीम में खेल रहा था। तो ऐसे एक दिन हम बैठे थे, मैंने उसको बुलाया घर पे और उसको थोड़ी गाली गलौज की और उससे बताया कि देख रोहित, इतना टैलेंट तेरे पास है, तुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, सिलेक्टर्स तेरे पास ध्यान दे रहे, बट तू टाइम नहीं दे रहा क्रिकेट के लिए। जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम नहीं दे रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुझे टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर तूने टाइम नहीं दिया तो रोहित शर्मा को सब भूल जाएंगे। रोहित शर्मा को पता ही नहीं लगा रोहित शर्मा कौन था। तो उस वक्त उसने, क्योंकि उसके लिए भी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि हर बच्चा हर प्लेयर चाहता है कि मैं वर्ल्ड कप टीम में हूँ, वर्ल्ड कप। तो उसने प्रॉमिस किया था, सर इसके बाद मेरी कंप्लेंट कभी आपके पास नहीं आएंगी, बिकॉज कि उसके बाद उसने जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, और आपने अगर देखा होगा कि उसके बाद उसका जो ग्राफ बढ़ गया है, 3 डबल सेंचुरी, T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट मैच में डेब्यू में 100, सब उसके बाद ही गया, बिकॉज उसने क्रिकेट को टाइम दिया। और इसकी वजह से शायद से ये उसका वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर्स का। तो मैं चाहूंगा कि अपने बलबूते पर, यानी ये तो टीम गेम है, सभी सभी का परफॉर्मेंस होना जरूरी है, बट सबसे ज्यादा उसका सहयोग होना चाहिए वर्ल्ड कप जीतने में। और मैं चाहूंगा कि उसके हाथ में अगर मैं वर्ल्ड कप देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जिस बच्चे को मैंने मेरे स्कूल में लाया था, जो बच्चा बॉलर से बैट्समैन बनाया था, वो बच्चा आज वर्ल्ड कप अपने हाथों में ले रहे हैं। The story of how Rohit made his way to Lad's stable is one the coach has repeated countless times over the past decade, but one that he never tires of retelling. The one takeaway from this tale is how a system placed its faith in a boy with promise and backed him through his financial struggles. And boy has it paid off. वहाँ पर बोरेली में एक बोरेली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन एक है, उन्होंने अप्रैल में ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे कि बहुत सारे कैंप्स होते हैं मुंबई में, प्राइवेट कैंप्स होते हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूशन कैंप्स करती है। तो वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था और उन्होंने कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज किए थे, यानी अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 के, और उसमें अंडर 12 में रोहित खेल रहा था। उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी और मैंने मेरे स्कूल की भी टीम वहां पर पार्टिसिपेट कर दी। फाइनल में हम पहुंचे थे और उसके बाद मैच चालू होगी, 10 ओवर की मैच थी, उन्होंने कुछ 67 रन बनाए, हमने चेस किया वो 67 रन 10 ओवर में। बट जिस तरह से उसने गेंदबाजी की, जिस तरह से उसकी एक्शन थी, मैं बहुत ही खुश हो गया। और आफ्टर द मैच मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अरे बेटा नाम क्या है, तो रोहित शर्मा बताया। तो मैंने अरे तेरे पेरेंट्स को बोलना मुझे मिलने के लिए। तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट यहाँ पर नहीं, मेरे पेरेंट डोंबोली रहते। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो मैं चाचा के घर पे रहता हूँ। तो फॉर्चुनेटली उसके चाचा वहीं पर थे, मैंने रवि चाचा करके थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे स्कूल में लेके आइए। तो 31 मई की बात थी, तो 2 जून को मैंने उनको बुलाया, स्कूल में आए हो। स्कूल में आते ही मैंने उनको हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे उनके पास लेके गया। डायरेक्टर सर ने हमको फॉर्म दे दिया, फॉर्म जैसे मिला हम नीचे आए। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर फीस कितनी है स्कूल की? मैंने कहा मुझे भी पता नहीं, हम इंक्वायरी करते हैं। फीस काउंटर पे गए, वहां पर हमने पूछा कि फीस कितनी है 7th स्टैंडर्ड की। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 275 रुपीज फीस है। जैसे कि उन्होंने 275 का सुना, इमीडिएट उनके चाचा बोले सर थैंक यू, एडमिशन नहीं चाहिए हमें। मैं शॉक हो गया, मैंने अरे यहाँ इस स्कूल में एडमिशन बहुत लोगों को मिलता नहीं है, यह वेल नोन स्कूल है। नहीं नहीं सर
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस स्कूल में हम जा रहे हैं अभी उसमें 30 रुपीज फीस है और 275 तो हम लोग एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी सर, थैंक यू आपने आप एडमिशन के लिए कहा, बट पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने फॉर्म उनके हाथ से लिया और फिर से मैं डायरेक्टर सर के पास गया, योगेश पटेल डायरेक्टर थे, उनको बताया कि सर आपने तो एडमिशन कंफर्म कर दिया है, बट मेरे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आपको आप इसको फ्री शिप देंगे तो अच्छा, क्योंकि पहला बच्चा था, क्योंकि स्कूल चालू के 4 ही साल हुए थे, स्कूल की टीम भी इतनी नहीं थी, हालांकि तब भी मैंने उनके पास जिक्र किया कि अगर फ्री शिप दिया होगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि क्यों आपको लग रहा है, मतलब सर बच्चे में टैलेंट लग रहा है, हमको स्कूल के लिए बच्चे भी चाहिए, क्योंकि नई नई स्कूल है हमारी, और दूसरी बात बच्चा थोड़ा गरीब है, तो अगर मिला तो अच्छा होगा था देंगे दे। सर ने इमिडिएटली फॉर्म ले लिया, उसके ऊपर लिखा ग्रांटेड फ्री शिप करके। तो अगर यदि उस वक्त ग्रांटेड फ्री शिप नहीं लिखा हुआ तो मे बी रोहित शर्मा, पता नहीं मुझे आगे क्या क्रिकेट खेलता क्या नहीं थे, बट स्कूल क्रिकेट में तो नहीं खेल पाता था ऐसे मुझे लग रहा है। Rohit's tryst with cricket began with the ball. He was a nifty off spinner and won games for his school with his variations. He might just have gone down that mainstream bowling path if Lad hadn't stumbled upon Rohit practicing his shots in solitude as a young cricketer. Once Rohit chose the bat over the ball, there was no going back. Just look at the numbers, particularly in the ODIs. He has the highest ODI individual score, 264. He has the most hundreds in a single ODI World Cup, 5, and joint most ODI World Cup hundreds, 6. He has the second most international sixes, 551 of them, and is the only batter to hit 4 T20I hundreds. नई नई स्कूल थी, हमारी प्रैक्टिस भी उतनी नहीं होती थी, कि छोटा ग्राउंड था स्कूल का, तो आपको तो पता होगा कि मुंबई में अंडर 16 के जो गाइल्ड शील्ड टूर्नामेंट होती है, देन अंडर 14 के लिए गाइल्ड शील्ड होती है, और रोहित 7th स्टैंडर्ड में था, उसको गाइल्ड शील्ड की टीम में लिया गया था, और हमारी अंडर 16 की अक्टूबर में प्रैक्टिस चालू हुई, नवंबर तक पूरा खत्म हो गया कि हम लोग सेकेंड या फर्स्ट राउंड में हार गए खैरिशिल में, और जैसे हमने गाइल्ड शील्ड की प्रैक्टिस चालू की जैन जैन में, फेब्रुवरी में मैचेस रहते, मैचेस खत्म हो गए गाइल्ड शील्ड की भी, और सेकेंड थर्ड राउंड में हम लोग हार गए, और मेरा एक कैसा एक उसूल है कि मैं बैट्समैन को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ और बॉलर्स को ज्यादा बैटिंग बॉलर बॉलिंग करवाता हूँ, तो एज एन ऑफ स्पिनर मैंने रोहित को ज्यादा बॉलिंग डालने के लिए कहा था नेट्स वगैरह में, तो वो साल निकल गया, तो नेक्स्ट ईयर ऐसे हो गया कि रोहित 8th स्टैंडर्ड में गया था और अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसको प्रमोट करके हैरी शील्ड टीम में भी ले लिया, और जैसे कि हमारी हैरी शील्ड की प्रैक्टिस चालू होगी अक्टूबर में, एक दिन मैं ऐसे स्कूल में एंटर कर रहा था तो एक लड़का ऐसे नॉक्स ले रहा था, तो मैंने कहा ये कौन लड़का है, कि बहुत अच्छी बैट आ रही थी उसको नॉक्स लेते वक्त, तो मैंने कहा चले यार देखते हैं कौन, ऐसे में अंदर गया तो रोहित नॉकिंग कर रहा था, जिस तरह से नॉक कर रहा था ऐसे लग रहा था यार अच्छा बैटिंग करता है ये लड़का, तो मैंने कहा तू बैटिंग करता है, बोला हाँ सर, तो मतलब बताया नहीं तूने, तो उस वक्त मैंने उसे कुछ 6 या 7 नंबर पे बैटिंग दी नेट्स में, जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी की, तो मैं थोड़ा लगा यार ये बच्चों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए बैटिंग में भी, क्योंकि अच्छा बैटिंग कर रहा है, उस वक्त मैंने मैचेस में भी उसको 6 7 नंबर में बैटिंग में, पहले मैच में उसने 40 रन की पारी खेली, हम लोग सेकेंड राउंड में हार गए हैरी शील्ड में, फिर हमारी गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू होगी, लेकिन ये लड़का अच्छा बैटिंग कर रहा था इसके लिए मैंने उसे सेकेंड और थर्ड नंबर पे नेट्स में बैटिंग देना चालू किया, और जैसे मैच चाहिए तो उस वक्त मैंने उससे कहा तू ओपन करेगा, बहुत खुश हो गया, इमिजिएटली पैड्स वगैरह बांध के रेडी हो गया, ओपन में गया और उस वक्त उसने 140 रन की पारी खेली, और शायद मुझे लगता है जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की तो मुझे लगा यार ये बच्चे को कुछ तो करना पड़ेगा, इसको ज्यादा मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, और फिर मैं पर्सनली उसको बॉल डालता था, और आपको तो उसके पता है, हालांकि सब लोग कहते हैं कि आपने रोहित शर्मा को बनाया, मैंने बनाया नहीं, उसके पास टैलेंट था ही, बट उसको मैंने सिर्फ गाइड किया, उसको मैक्सिमम टाइम दिया और उसका उसने यूटिलाइज किया, और आज वर्ल्ड का वो बेस्ट वाइड बॉल बैट्समैन गया, उसके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। When you're successful regularly, expectations rise, often disproportionately as well. Rohit's experience hasn't been any different. However, his demeanor seldom betrays the whirlwind of emotions beneath the surface.
ahead of what might be the most important assignment of his career, Lad reminds us that Rohit's motivation has, is and will always be to win. नहीं मुझे नहीं लगता है. आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ उसका. जब अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था ना, मैचेस खेला था, और उस वक्त हम कहीं पर ऐसे खड़े थे और वहां पर एक गाड़ी मुझे दिखी, यानी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी. तो मुझे कहने लगा, सर ये गाड़ी मैं लूंगा. मैंने, तो पागल है, अभी तक कुछ क्रिकेट खेला नहीं और तू गाड़ी लेने की सोच रहा है. सर आप देखिए, मैं गाड़ी आपको लेके बताऊंगा. यानी उसको, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था उस वक्त भी. और एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जब हम लोग मैच खेल रहे थे हरिशिल की, और मैच क्रुशियल थी. अगर हम लोग ये मैच जीतते, हम लोग क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो रहे थे. और हम लोग कुछ 30 या 40 पे 4 विकेट थे और 240 रन चेस कर रहे थे. तो मैंने रोहित को, रोहित ओपन को यही कहा था, रोहित को मैंने मैसेज किया कि मैसेज भेजा कि रोहित आज जीतना यार, क्वार्टर फाइनल में हम पहुंच जाएंगे. तो उसने रिटर्न में मैसेज किया कि सर को बोले टेंशन मत लेना, मैच जिता के देंगे. और उस वक्त उसने कुछ 160 रन की पारी खेली और हम लोग मैच जीते, हम लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए. यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही था. यानी शुरू से मैंने देखा हो कि उसको मैच जीतना है, वो मेंटेलिटी से वो क्रिकेट खेलता था. और वही पहले भी खेलता था, आज भी उसका वही है कि मुझे मैच जीतना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे मैच जिता के देना है, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है. रोहित्स हैप्पीनेस लाइज इन द लिटिल थिंग्स. एट वन पॉइंट इट यूज्ड टू बी लार्ड्स होममेड अंडा फ्राई. A craving that he has retained to this day. जब 2007 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम मुंबई है, उनका फैलेसी सीन हुआ था मुंबई वानखेड़े स्टेडियम पे. उस वक्त मैं, रोहित और तब के मुंबई के जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर पीवी शेट्टी, हम लोग साथ में आ रहे थे. तो बाद में उसको अपने पुराने घर जाना, कि मैं बाद में मेरे घर बिल्डिंग में रहता था, पुराने घर जाना था. तो मुझे उसने मैसेज जाते वक्त मिला, सर मैं जाके आता हूँ, आप बैग वगैरह सब आपके पास रखो, मैं आके आता हूँ, लेकिन सर मुझे आज अंडा खाना है. क्योंकि उसको बहुत शौक था, मैं उसको हाफ फ्राई अंडा बना के देता था उस वक्त शुरू में, क्योंकि उसके घर पे नॉनवेज नहीं बनता था, वो ब्राह्मण है. तो बोला ठीक है. तो घर पे आने के बाद, वापिस आने के बाद मुझे बोला, सर चलो अंडा बनाओ अभी. तो मुझे याद है कि वो उसका भाई, मेरा बेटा भी था सिद्धेश, और एक आध दो लड़के थे, उसमें 67 एग्स खाए थे.